न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अलवर से बीजेपी कार्यकर्ता को सिर तन से जुदा की धमकी का मामला सामने आया। बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि ज्ञान वापी पर बोलने पर धमकी मिली है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कन्हैयालाल जैसा हाल करने की धमकी मिली थी। आहूजा ने आगे कहा कि अलवर उदयपुर नहीं है, अगर बीजेपी कार्यकर्ता के साथ कुछ हुआ तो हम शांत नहीं रहेंगे, सरकार को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है। जहाँ मैं रहता हूँ अपना घर शालीबार, वहाँ पर एक बहुत सीधी सादी, वैसे वो घरेलू महिला, लेकिन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी में सक्रिय हुई है, श्रीमती चारू अग्रवाल और उसके हस्बैंड श्री जितेंद्र अग्रवाल। अब उन्होंने ज्ञानवापी के बारे में बोला, ज्ञानवापी के बारे में उन्होंने क्या बोला, जो कोर्ट कह रहा है, माननीय न्यायाधीश कह रहे हैं, माननीय न्यायालय कह रहा है, वही उन्होंने बोला। अब उनको धमकी दी है, ऐसा अश्वसन समाज जो किसी भी बात को लेकर धमकी दे कि कन्हैया उदयपुर की तरह हाल करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे। लेकिन अलवर चाहे मेवात है, वहाँ हम लोग रहते हैं, अलवर उदयपुर नहीं है, अलवर ए लवर है, अशुद्ध अमानवीय अव्यवहारिक असंगत के आगे ए लगता है, तो अलवर उदयपुर नहीं है, ए है। तो अगर चारू अग्रवाल के साथ कोई वारदात हुई तो वहाँ पूरी तरह से मुकाबला होगा, और प्रशासन सरकार को, राजस्थान सरकार को इस संबंध में प्रतिज्ञान लेना चाहिए। वहाँ बैठे हुए एसपी मैडम श्रीमती तेजस्वी गौतम, कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी सहित आईजी और डीजीपी सहित सबको प्रतिज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हम भी संगठन की ओर से सीधी चेतावनी दे रहे हैं, अगर चारू अग्रवाल को, हमारी छोटी बहन को कुछ हुआ, कहीं कोई वारदात या कहीं कोई बदतमीजी हुई, तो उसका जवाब, पहले पुरानी कहावत है ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से, अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, इनका जवाब गोली से और गोली का जवाब गोले से देंगे। हम लोग अलवर में कहीं भी कमजोर नहीं है, ये मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।